नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल में सुस्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने ट्रिपल सी से संबंधित जो बैंक क्वेश्चंस होते हैं उनको, ट्रिपल सी एग्जाम में जो आते हैं उनको हमने इस वीडियो में अपलोड किए हैं, जो लगातार ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए हैं, जो आप सभी लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों में अच्छे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और उनसे इसके बारे में बताइए कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पहला स्लाइड है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है, डिलीटेड मेल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम, कुछ क्वेश्चन हमने इसमें अपलोड किए हैं शुरुआत में जो इम्पोर्टेंट हो गए। डिलीटेड मेल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम, कि जो मेल्स होते हैं यानी कि ईमेल जो होता है उसमें जो मेल्स हम सेंड करते हैं अगर डिलीट हो गए हैं उन्हें हम कैसे पा सकते हैं। रिसाइकल बिन, स्पैम, ट्रैश या जंक मेल, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रैश। ईमेल जो डिलीट कर देते हैं वो हम ट्रैश फीचर से वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, इसका करेक्ट आंसर है होम पेज। कोई भी वेबसाइट हो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ बैंक से संबंधित क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और है, द फर्स्ट वेब ब्राउजर फॉर WWW, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वेब ब्राउजर फॉर WWW यानी कि जो इंटरनेट यूज करते हैं तो फर्स्ट वेब ब्राउजर जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है कौन है, तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजैक। मोजैक इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ WWW। WWW का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजैक। अब बैंक का क्वेश्चन है, द इंडियन रूपी सिंबल, जो रूपी का सिंबल बना हुआ है कब अपनाया गया, भारतीय मुद्रा जो है जो रूपी आर जैसा बना हुआ है ये कब अपनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 2010 में रूपी का सिंबल अपनाया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSSY की घोषणा कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 28 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कौन जुड़ सकता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कौन जुड़ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग इसके अंतर्गत जुड़ सकते हैं। ये प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई योजना है, जिन लोगों का कोई बीमा नहीं है तो उनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंकों में सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक किस्त क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होती है इसके लिए वार्षिक किस्त क्या है, वार्षिक मतलब साल में किस्त क्या देनी पड़ेगी एक साल में, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 रुपये। 12 रुपये वार्षिक तौर से आपका जमा होगा और इसके बाद जो बीमा के पात्र हैं उनको मिलता है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक किस्त 12 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSSY के अंतर्गत पूर्ण रूप से विकलांग या मृत्यु होने पर रुपए मिलते हैं, जो बीमा योजना है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई एक्सीडेंट होता है किसी का उसकी मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, पूर्ण रूप से विकलांग या मृत्यु हो जाती है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 लाख। 2 लाख रुपए मिलता है मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से विकलांग होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक रूप से अपंग होने पर मिलते हैं, अगर आंशिक रूप से आप अपंग हो गए हैं पूर्ण रूप से विकलांग नहीं हुए हैं तब कितना मिलता है, तब मिलता है 1 लाख।
आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए आपको मिलते हैं। करेक्ट आंसर होगा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना यानी APY, अटल पेंशन योजना यानी APY कब शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 मई सन 2015, 9 मई सन 2015 को इस योजना को शुभारंभ हुआ। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह योजना सर्वप्रथम 2010 और 2011 में स्टार्ट हुई थी, जब कांग्रेस सरकार थी तब ये योजना शुरू हुई थी, अटल पेंशन योजना। बीच में क्या हुआ, रुक गया, तो अब 9 मई सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोबारा इसका शुरू हुआ, यानी कि रिलॉन्च हुआ अटल पेंशन योजना। तो अगर 9 मई 2015 मिलता है तो करेक्ट है, लेकिन इस जानकारी के लिए है कि ये योजना सर्वप्रथम 2010-11 में कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, लेकिन अब जो है 9 मई 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोबारा शुरू किया गया। अगला है, अटल पेंशन योजना APY कितने वर्ष के लिए, वर्ष के आय लिए आयु, मतलब कितने वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 से 40 वर्ष की आयु तक जो है उनके लिए योजना होती है, और मिनिमम अगर पूछ लेता है तो 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। लेकिन मिलता कब है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल रहा है, अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जो 18 से 40 वर्ष तक जमा होता है, फिर मतलब पेमेंट पात्र होते हैं उनको, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर इसके बाद अटल पेंशन लाभ जो मिलता है वो करेक्ट आंसर है 60 वर्ष से मृत्यु तक, यानी कि 60 वर्ष पूरे हो गए हों या 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाए तभी मिलेगा, यानी कि 60 वर्ष से स्टार्ट होके मृत्यु तक आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। थैंक यू टू ऑल मेरे चैनल को देखने के लिए, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल।